सगाई कर शादी से पहले अलग हुई ये 10 बॉलीवुड जोड़ियां। सलमान की शादी की भी हो गई थी तारीख तय। बॉलीवुड की दुनिया भी अजीब ही है, कब रिश्ते बनते हैं और कब बिगड़ जाते हैं कहना मुश्किल है। ऐसा अक्सर आम लोगों की जिंदगी में देखा जाता है कि शादी की पूरी तैयारी होने के बाद भी किसी एक पक्ष की तरफ से शादी के लिए ना हो जाती है। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड में भी हुआ। दरअसल बात करेंगे उन 10 बॉलीवुड जोड़ियों की जिनकी सगाई के बाद बात शादी तक नहीं पहुंच पाई। इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे एक्टर अभिषेक बच्चन और कपूर खानदान की हिट एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की। अभिषेक और करिश्मा की असल जान पहचान बिग्गी की बेटी श्वेता बच्चन की शादी में हुई थी। फिर दोनों ने एक दूजे को 5 साल डेट करने के बाद अमिताभ बच्चन के जन्मदिन 11 अक्टूबर 2002 के शुभ अवसर पर सगाई कर ली, लेकिन इसके 2 महीने बाद ही यह रिश्ता टूट गया। लेकिन आज तक इस रिश्ते के टूटने की वजह सामने नहीं आई है। बता दें कि अभिषेक और करिश्मा को सुपरहिट फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया है में एक साथ देखा गया था। दुनिया में अपनी फिटनेस के लिए पहचान रखने वाली एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार तो शादी की दहलीज तक पहुंचकर भी अलग हो गए। शिल्पा और अक्षय का ब्रेकअप बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ब्रेकअप था। हालांकि शिल्पा ने शादी की सभी तैयारियां कर ली थी, लेकिन आखिर मौके पर अक्षय को एक ट्रेस ट्विंकल खन्ना भाग गई और वे शिल्पा को नजरअंदाज करने लगे। बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर की लिस्ट में शुमार एक्टर विवेक ओबेरॉय फिल्मों में आने से पहले ही गुरप्रीत गिल से सगाई कर चुके थे। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड में कदम रखते ही विवेक शुरुआती दौर में इतने व्यस्त हो गए कि गुरप्रीत को समय नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में दोनों के बीच कलह बढ़ती गई और आखिर में यह जोड़ी में शादी तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गई। 90 के दशक में आई फिल्म मोहरा में रवीना और अक्षय नजदीक आए और इनके अफेयर की बातें बॉलीवुड में कोने कोने तक गई। दोनों ने मंदिर में सगाई भी कर ली, लेकिन यहाँ भी अक्षय की वजह से रवीना का दिल टूट गया। दरअसल रवीना के साथ होते हुए थी अक्षय का ध्यान और एक्ट्रेस इज पर से नहीं हट रहा था। मॉडल और एक्टर उपेन पटेल का बॉलीवुड करियर कुछ खास नहीं रहा, लेकिन आपको बता दें कि लड़कियां उनके लुक की बहुत दीवानी थीं। ऐसे में बिग बॉस के दौरान उपेन और टीवी एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना की मुलाकात हुई। वहीं डांसिंग रियलिटी शो नच बलिए के सीजन 7 में दोनों ने स्टेज पर ही सगाई कर ली। इसके बाद इनके फैंस को इंतजार था कि दोनों जल्द से जल्द शादी कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और 1 महीने बाद ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। इस बात को जानकर आपको सबसे ज्यादा हैरानी होगी कि फिल्म मेकर साजिद खान और एक्ट्रेस गौहर खान ने फेमस होने से पहले ही सगाई कर ली थी, लेकिन किसी कारणवश दोनों अलग हो गए। 90 के दशक में बॉलीवुड का टाइगर और दबंग खान सलमान खान और एक्ट्रेस संगीता बिजलानी के बीच का अफेयर बॉलीवुड में बहुत मशहूर था। यहां तक कि इनकी शादी की तारीख भी पक्की हो गई थी, लेकिन सगाई करने के बाद संगीता ने शादी करने से इनकार कर दिया। दरअसल संगीता ने शादी से इसलिए मुंह फेर लिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सलमान उन्हें कहीं न कहीं धोखा दे रहे हैं। साल 2016 में एक्ट्रेस बिपाशा बसु से शादी करने वाले एक्ट्रेस करण सिंह ग्रोवर ने साल 2004 में टीवी पर्सनालिटी बरखा बिष्ट सेनगुप्ता से सगाई की थी, लेकिन साल 2006 में दोनों अलग हो गए। दोनों की मुलाकात टीवी सीरियल क्या मस्त है जिंदगी के सेट पर हुई थी। इस कड़ी में लीजेंडरी सिंगर मुकेश के पोते नील नितिन मुकेश का नाम भी शामिल है। बता दें कि उन्होंने प्रियंका भाटिया को 2 साल तक डेट किया। दोनों ने शादी की तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन नील ने इस रिश्ते को तोड़ दिया। आखिर में बात करेंगे बिग बॉस सीजन 11 की विनर शिल्पा शिंदे की। बता दें कि शिल्पा ने टीवी एक्टर रोमित राज से सगाई तक कर ली थी और साल 2009 में दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन आखिर में शिल्पा ने यह कहते हुए रिश्ता तोड़ लिया कि रोमित और उनके परिवार वाले उनके करियर को लेकर सीरियस नहीं थे।